गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आते फैमिली ब्लॉग्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत दिनों के बाद फिर एक नए ब्लॉग के साथ आप सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं। बहुत दिनों के बाद ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ कि मेरी तबीयत बहुत दिनों से ठीक नहीं थी, जिसके कारण मैं बहुत सारा वीडियो शूट भी की हूँ तो मैं उसे अपलोड नहीं कर पाई हूँ, एडिट नहीं कर पाई हूँ, जिसके कारण अभी तक कोई ब्लॉग या फिर कोई शॉर्ट वीडियोज मैं नहीं डाल पाई। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं तैयार हो चुकी हूँ। जी हाँ बिल्कुल तैयार होकर हम कहीं जा रहे हैं बाहर घूमने, और कहाँ जा रहे हैं क्या करने जा रहे हैं तो ब्लॉग आपको कंटिन्यू देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ, जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या देखते हैं पर मेरे अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उन्हें सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को लाइक से एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के पास मेंबर्स को मेरे वीडियोस को शेयर करें, ताकि मेरे भी बहुत मतलब मैं भी आप लोग की मेंबर बन पाऊँ फैमिली की। बस एक रिक्वेस्ट है, बाकी बातें कम करते हुए निकलते हैं क्योंकि लेट हो चुका है और मेरी बेटी और हस्बैंड ऑलरेडी निकल चुके हैं बाहर। तो मिलते हैं बाद में थोड़ी देर बाद। तो जैसा कि हम लोग अब पहुंच चुके हैं, ये शिव मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत। मैं यहाँ बचपन में गई थी, उसके बाद ये सेकेंड टाइम मैं यहाँ आई हूँ। मतलब अच्छे तरह से मैंने इस बार ही देखा। उस टाइम तो जब गई थी इतनी भीड़ थी कि बस अच्छे से नहीं घूम पाई थी। तो बहुत सुंदर सा मंदिर है, बहुत अच्छी जगह है। मतलब इसे आप छोटा सा एक पार्क भी कह सकते हैं। इवनिंग के टाइम पे यहाँ पर देख ही रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग टहलने भी आए हैं। और सामने जो आपको मंदिर के पास बहुत सारी लेडीज़ देख रही है ना, यहाँ शिव चर्चा हो रही है। शिव चर्चा बहुत कोई जानते भी है, जो हमारे बिहारी कल्चर के हैं वो जानते हैं कि शिव चर्चा क्या होती है। इसके बारे में भी डिटेल्स में नहीं बताऊँगी, मैं किसी और वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो अभी आप इस वीडियो को एंजॉय करिए और देखिए ये नंदी बैल, इनको मैं सामने से रिकॉर्ड की हूँ, वो भी आपको देखने मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत और बड़े से हैं। तो कुछ इस तरह है यहाँ का माहौल। और हम लोग यहाँ से घूमने के बाद फिर निकले थे, यहाँ पे मेला लगा हुआ था, शिवरात्रि का ही मेला है वो, तो वहाँ गए थे। तो आप वीडियो एंजॉय करिए। जो बेटी है आराध्या, वो जहाँ भी जाती है फुल्ली इंजॉय करती है। बस उसे खेलने के लिए अच्छी सी जगह अगर मिल जाए तब तो पूछिए ही मत। वो जाना चाहती थी नंदी बैल को छूने के लिए, वो देखना चाहती थी छूके कि मम्मी कैसे, मतलब कैसे है, इतने बड़े हैं, पूछ रही थी। तो मैंने कहा जाओ जाके देख के आओ, तो बस वही जा रही थी, बोली मैं अकेली नहीं जाऊँगी। उसे थोड़ा डर सा लग रहा था, तो फिर देखिए अकेले ही जा गई। और अकेले नहीं, मैंने अपने पापा के साथ गई। मैंने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि जाइए आप उसे लेके जाइए, तो फिर देखिए वो गए हैं उनके साथ और जाके छूने की कोशिश करती है पर उसका हाथ नहीं पहुंच पाता है। और फिर बस इसके बाद हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे। थोड़ी बहुत इसने नहीं, मस्ती नहीं, की नहीं। और थोड़ी बहुत क्या, बहुत ही मस्ती की, मस्ती खोर तो है ही। मैं इसका एक पर्सनल वीडियो शेयर करूंगी आपसे कि ये मॉर्निंग से इवनिंग तक, मीन्स मॉर्निंग से नाइट तक क्या करती है, जब रात को सोती है तब तक का। और फिलहाल आप वीडियो एंजॉय करिए। अब हम लोग मेले में इन कर रहे हैं और बहुत ही मतलब भीड़ नहीं था, क्योंकि संडे को ज़्यादा भीड़ होता है और बाकी दिन उतनी कुछ खास भीड़ नहीं होती है। इस बार से लग रहा है इस बार मैं कुछ ज्यादा बैठा है, और इस बार खाली खाली था।
मेले में ना आपको घर के हर एक मतलब घर में जो हम यूज कर सकते हैं किचन में डेकोरेशन में वो हर चीज़ यहाँ मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी और बहुत कम प्राइस में मिलती है। तो यहाँ से यहाँ जो आए अगर ये सब चीज़ें ना खरीदे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने भी बहुत कुछ खरीदा है और मैं आपको हो सके तो आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हैं मैं आपके साथ शेयर करूँ तो कमेंट जरूर करें। और हाँ, और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइब सब्सक्राइब करके फिर उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया। तो मतलब मैं ऐसा फुली नहीं कह रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ कि ठीक है किसी के मतलब मन पे हमारा जोर तो नहीं चल सकता। उन्हें लगा होगा कि ठीक है शायद इनके ब्लॉग अच्छे नहीं होते या फिर जो भी कंटिन्यू नहीं होते इसलिए सर अनसब्सक्राइब कर दिया। उसके लिए कोई बात नहीं। तो गाइज हम लोग घर आ चुके हैं, हम लोग थक बहुत चुके हैं क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम कहीं घूमने जाए और चलना पड़े तो थकान तो होनी ही है। तो हमने बहुत इंजॉय किया। और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मेरे जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही और आपको आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताएंगे। ओके बाय। और एक चीज, हाँ राधे ने क्या खरीदा मेले से वो आपको तो दिखाना बनता ही है। क्या खरीदा तुमने राधिया मेले से? मैंने गिटार खरीदा है, ये बच्चा है और ये है टीप करने वाला और ये बंद हो जाता है और इसे बजाता भी हूँ। बजाती हूँ मैं, लड़का हूँ इसके बाद। तुम लड़की हो और आप बोलिए क्या बोले? आप बोलिए मेरी मेरी जो बउआ है ना उनको पूरे मेले में एक यही चीज पसंद आया। आया ना तुम्हें यही पसंद? ओके बाय कर दो अब। बाय बाय वीडियो बोलो बाय माय यूट्यूब फैमिली बाय।